वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं बेबी ऑन बोर्ड। तो आज हम आए हैं मेप्रो गार्डन, जो है लोनावला में, जो कि लोनावला में है, मुंबई पुणे हाईवे पे। और ये जो गार्डन है, ये स्पेशली स्ट्रॉबेरी की वजह से बहुत फेमस है। तो हम आज यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, एंट्री के साथ ही मुझे ये फ़ैन दिखा, जो बहुत ही मुझे फ़नी लगा। मैंने इसको उल्टा फ़ैन बोला तो मेरी बेटी हंस रही थी कि मम्मा उल्टा फ़ैन। तो लेकिन रीज़न हमें नहीं पता चला क्यों लगा हुआ है। उसके बाद मेप्रो गार्डन लिखा हुआ था प्लांट से, और वहाँ पे एंट्री के पास ही एक बप्पा का छोटा सा बड़ा सा टेम्पल बना हुआ था, जहाँ पे बप्पा को विराजित किया हुआ था, और बहुत ही सुंदर रंगोली भी बनी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने शूज़ पहने हुए थे तो इसलिए हम अंदर नहीं गए, लेकिन हमने बाहर से ही बप्पा के दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा था। और ये देखिए, ये एकदम लोनावला के खुली वादियों के बीच में बना हुआ ये गार्डन, जो स्ट्रॉबेरीज़ के लिए फेमस है। ये छोटा सा, आगे और भी फ्लावर भी है, देखिए। कितना प्यारा लग रहा है ना फ्लावर। हाँ। ऐसे पहली बार देखा ना किसको हमने? हाँ, पहली बार लोटस। देख फिशेस भी है, छोटी छोटी एकदम बेबी फिश। टेडपोल। हाँ। टेडपोल नहीं है, फिशेस है। टेडपोल, टेडपोल वो मेंढक फ्रॉग बनते हैं क्या? कहाँ से पढ़ाई करी है आपने? सरकारी स्कूल से, जगदीश नगर सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है मैंने। तो सरकारी में मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे भी यही बताया गया टैडपोल बाद में जाके फ्रॉग बनता है। चलो ठीक है, टैडपोल फिश नहीं बनती, मान लेते हैं। हम खेलते भी थे टैडपोल के साथ। फ्लावर्स कितने सुंदर है। ये देखो खादी स्टोर, यहाँ पे खादी का जो मतलब क्लॉथ होता है उसके बने हुए कपड़े हैं, तुम यहाँ से ले सकते हैं। नेचुरल देखेंगे, एक बार चेकआउट करेंगे, है ना। ये स्ट्रॉबेरी का गार्डन है। हाँ। किस चीज का गार्डन है? ये स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है। स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी एक डिश मिलती है, कुछ मतलब स्वीट डिश है, आइसक्रीम वगैरह कुछ होता है, वो हम खाएंगे। इतना तेज धूप तो है, लेकिन ये भी तो सही है ना कि विटामिन डी मिल रहा है हमें, है ना। चलो वो देखो कितना अच्छा झरना है, वहाँ से फोटो खिंचवाते हैं। रुक जा, चलो चलो चलो। ये भी फिश, ये फिश की वीडियो बना रहा हूँ। बन तो रही है वीडियो, वो देखो, और अंदर ग्रीन कलर की भी है। हाँ। मैप्रो फेमस है स्ट्रॉबेरी के लिए है। हाँ। इसका मेन जो फर्स्ट ब्रांच है वो महाबलेश्वर में है ना। स्ट्रॉबेरी रूम है। चलो आज आपको स्ट्रॉबेरी रूम दिखाते हैं। एको हो गया पे भाई। बंद कर दूं? ये देखो छोटी सी विंडो है प्यारी सी, पर खुल नहीं रही है। एक ये है, अब इस रूम में बंदा खड़ा ही हो सकता है, चेयर तो है नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? क्या पता है लिखी है ये, क्योंकि पापा नहीं, नहीं खुल नहीं सकती, वो बंद ही है। नहीं नहीं ठीक है। अरे अब हम जाएंगे स्ट्रॉबेरी वाली चेयर पे। ये देखिए आप, इतनी इतनी बदतमीज कैसे? अभी फिर वो वहीं पे आ रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। मेनू वगैरह कहाँ से चेक करने को मिलेगी? वो
बोरीना डिजर्ट्स और कुछ खाना है पहले तो वो तो दिखाने। अच्छा क्रीम विद आइसक्रीम पर तुम क्या खाओगे है? तो चाय तो पी के आए अभी तुम? वो ले लूंगा हॉट चॉकलेट केसर मिल्क ले लूंगा। तो फिर हम वो जो 297 एक ही मंगवा लेते हैं ना, बड़ा काफी है कि नहीं? तुम दोनों अगर एक ही खा लो एक ही ले लो, सिंगल ना सिंगल लो डबल ना डबल ले लो। ठीक है सिंगल ले लेते हैं पहले है? सिंगल ले। हाँ तो पहले हमारे लिए वो करवा दो फिर, फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम। कौन सा वाला? वो पहले वाला? अरे नहीं थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे नहीं हो फ्रेश आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी? अरे वो तो वो है। अच्छा स्ट्रॉबेरी वाला जो है? हाँ स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम। बच्चों देखो मैं क्लासिक सैंडविच में व्हीट ब्रेड है, कैबेज, टमाटो, बेक पोटैटो, कैप्सिकम, चेडर चीज। तो एक ही सैंडविच करवा लेते हैं ना, एक सैंडविच करवा लेते। तो यहाँ पे पिज्ज़ाज, सैंडविचेस, मॉकटेल्स, सूप्स एंड बाइट्स, डिज़र्ट एंड हॉट बेवरेज सब कुछ मिलता है। यू कैन ट्राई एनी थिंग। ये देखिए यहाँ पे सैंडविचेस रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पिज्ज़ाज रेडी हो रहे हैं। पहली बार मैं पिज्ज़ा का ओवन देखी है। ऐसा वाला तो मैंने भी पहली बार देखा है, मतलब लाइव। इतना बड़ा ओवन है ना, देसी ओवन होते, पहले ओवन ऐसे ही होते थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेश फ्रेश बना रहे हैं लोग। और यहाँ रेडी हो रही है फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम। तो हमारी जो डिज़र्ट है वो आ चुकी है, स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम। और ये देखिए यहाँ पे ना ये ग्लास का ही है स्टूल भी ग्लास का है, टेबल भी। ठीक हो? डर लग रहा है कि इस पर बैठने में कहीं टूट ना जाए। हमारा ये आगे खा के बताना कैसा है। क्रीम नहीं, हाँ पूरा वो नीचे से उठा के चेक करना। स्ट्रॉबेरी क्रीम होती है जैसे। अभी हम पहले ऊपर का बिल्डिंग खत्म करते हैं फिर जाते हैं नीचे। तो अब इतना खत्म करने के बाद इसमें ना आइसक्रीम आई है जो बहुत टेस्टी है, है ना गुनीत? और ये इसके पापा की चाय वो आ गई क्या, कॉफी? कॉफी आई है, ये भी गर्म है, अच्छी है। ये आइसक्रीम है लगी। हमारा सैंडविचेस आ गए हैं विद फ्रेंच फ्राइज। बताओ कैसा लगा आपको? अरे पिज्जा खा रहे हैं, अंदर से पिज्जा की जैसी स्टफिंग है, चीज पुल आउट भी हो रहा है ना इसमें। है कीको दिखाइयो, गरम गरम नहीं खा पाएगी, गरम गरम नहीं खा पाएगी, आप खा के दिखाना फिर से। तो ठंडा हो गया है वैसे, बहुत टेस्टी है ना, डेफिनेटली ट्राई दिस। और
ओके खा लिया सैंडविच। तो गाइज वहाँ पे पार्किंग में ना एक अजीब सी कार दिखी, अजीब सी मतलब कि वो इस गार्डन के अकॉर्डिंग इस कार पे ना स्ट्रॉबेरीज बनी हुई थी और इस गार्डन का नाम भी लिखा हुआ था मैप्रो गार्डन, जो दिखने में मतलब एक यूनिक लग रही थी। और आई थिंक ये जो कार है वो सेंट्रो है और इसको पूरा ऐसे पेंट किया हुआ था विद स्ट्रॉबेरीज, जो बहुत ही कूल लग रहा था और प्यारा लग रहा था। तो गाइज हम लोग लोनावला में हैं और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। अब हम वहाँ चलते हैं इतने मॉल में है ना, भागो। तो हम यहाँ पे इनका जो एक सेंटर है, शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे इन्हीं के ब्रांड की चीजें मिलती है, जैसे कैचअप हमने देखे अंदर, क्रॉकरीज वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह। बाहर हो रही बारिश इतनी तेज भी नहीं है, लेकिन ना गुनीत को भीगने से बहुत डर लगता है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता गीली हो जाती है, तो इसलिए वो कह रही है जल्दी से आओ चलो। अच्छा ये उसमें वो बर्फ मिलाने का, बर्फ डालने का देख वो दे रखा है ना पूरा सिस्टम, ये मॉकटेल बनाते हैं उसके लिए मोस्टली यूज करते हैं ये बर्फ को। तो गाइज वहाँ पर टेस्टिंग काउंटर्स थे जो हमने मोइटो लिया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार टेस्ट करके देख लो, तो हमने टेस्ट किया तो टेस्टी था और उन्होंने बोला कि आप इसे सोडा या पानी के साथ इंजॉय कर सकते हो। अब हम बिलिंग के लिए खड़े हो गए, लेकिन बाहर बारिश देखो बहुत तेज हो रही है, अभी हम निकल तो पाएंगे नहीं यहाँ से। एक हमने ये भी लिया है मैप्रो की स्ट्रॉबेरी। तो गाइस बारिश तो रुक नहीं रही है और हमारा एक टास्क है, गुनीत के पापा वहाँ पे गाड़ी लेके आएंगे गेट के पास, हमें वहाँ तक जाना होगा भाग के। गुनीत कर लोगी ना तुम कवर? हाँ। है
श्योर पक्का कर लूंगी। ठीक है, मुझे आप पे भरोसा, आप कर सकते हो। ठीक है, भीगने से डरते नहीं है। कम हो गई है वैसे बारिश, वो देखो पंखे ने कम कर दी, वो वाले ने है? वो वाले पंखे ने कम कर दी ना, वहाँ पे कम है देखो और यहाँ जाता है, वहाँ पे कम है। उसके नीचे कम ही हो रही है मेरे कैमरे में। कैमरा चल चल ऐसे पैंट के यहाँ रख लेना अंदर। यहाँ पे आ जा, ये इधर गणेश जी के। और धूप इतनी तेज थी आज, कोई उम्मीद नहीं थी। बप्पा की छत छाया में बारिश से बच जाऊंगी। हम भी एक सेल्फी ले लेते बप्पा की। तो गाइज हम लोग वहां से निकल के यहाँ पहुंच गए हैं लोनावला पॉइंट। ये लेक देख रहे हो आप, ये पता है जुलाई में जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो पूरी इस पुल तक भर जाता है पानी, तो यहाँ पे फिर एंट्री बंद हो जाती है। हम एक बार आए थे और एंट्री बंद थी यहाँ पर, और अब देखो कितना कम पानी है क्योंकि बरसात अब ख़त्म ही होने वाली है। बस आज भी हल्की हल्की हो रही है हम आए हैं तो। और गुनीत ने ऑर्डर किया है मैगी और मैंने ऑर्डर किया है स्वीट कॉर्न, है ना, मसाले वाला, मसाले वाले स्वीट कॉर्न, तो वो खाएंगे हम। मैगी इसके लिए देखो डोनर लेना पड़ेगा, नहीं एक वो कटोरा कर दोगे और इसका जो है कागज वाला गरम है ना। थैंक यू, खा के बताना। चलो चलो तेरे कुछ दिख रहा है यहाँ से, देख देख के तो गाइज हम लोग घर पे आ गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी हम सामान लेके आए ना तो उसका मैं सेपरेट जो एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी टाइगर पॉइंट पे और लोनावला पॉइंट पे, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये मैप से निकलते ही स्टार्ट हो गई थी। बाय बाय, टेक केयर, करना हमें सही नहीं लगा। आपकी वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना है कमेंट में, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चले गए घर पे बस, बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो अभी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।